अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक सूट है, करिश्मा का सूट है, अनस्टिच जो है ना, सिल्क का सूट है ये, ठीक है ना, फॉल विंटर का है। इसमें जो जो मटेरियल दिया हुआ है, हम इसे खोल के देखते हैं। जो जो इसमें मटेरियल दिया हुआ है, मैं आपको अभी सारा कुछ हर चीज दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं जब इसे स्टिच कर लूंगा तो स्टिच हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इसे किस तरह का स्टिच किया है। ये पैचेज हम पहले साइड पे कर लेते हैं इसके। ये इसके ट्राउजर का कपड़ा है, ऑल ओवर पूरा प्रिंट हुआ है ट्राउजर के कपड़े में, ठीक है। और ये इसका कमीज का कपड़ा दिया हुआ है। ये इसकी स्लीव्स है, ठीक है। और ये देखिए, ये इसका एक फ्रंट है और ये इसका एक बैक है। और ये इसका दुपट्टा दिया हुआ है। अब इसके पैचेस देखते हैं हम। ये देखें, ये पेच जो दिया हुआ हमारा इसमें ट्राउजर में लगा हुआ है, 5-6 में, ठीक है। और ये हमारा नेक है, और ये जो बॉर्डर दिए हुए, 3 बॉर्डर दिए हुए इसे, लंबे लंबे बॉर्डर दिए हुए, ये दुपट्टे में लगे हुए चारों साइड पे दुपट्टे के। ये पूरा जो है ना दुपट्टे में लगा है चारों साइड पे। और एक ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये भी लंबा बॉर्डर है बहुत, ये बैक और फ्रंट में और स्लीव्स में। ये देखें, ये सीधी साइड है बॉर्डर की। और ये इसकी हमने लेस ली है, लेस लेके हमने इसकी डाई करवाई है, ये इस कलर की हमने इसकी डाई करवाई है लेस, ठीक है ना। ये सूट जो है ना तकरीबन पिक के हिसाब से बनेगा, सिर्फ इसके चाकू में जो है लेस ऐड हो जाएगी बस। अब जब हम ये सूट स्टिच कर लेंगे तो फिर मैं आपको जो है ना पूरा सूट भी दिखाऊंगा कि किस तरह के हमने ये सूट स्टिच किया है। ये हमारा सूट स्टिच हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे हमने किस तरह का स्टिच किया है। अभी हमने इसका गला बनाया है, ठीक है। ये गला दिया हुआ था इसे जो मैंने आपको दिखाया था, इसके नीचे हमने सिल्क लगा दी, ये पूरी सिल्क लगी है इसके नीचे, ठीक है। इस प्रिंटेड पे हमने गला रखा तो खूबसूरती नहीं आ रही थी, तो इसके नीचे हमने बेस कलर की सिल्क लगा के इसे एप्लिक करवा दिया। और इसमें जो है ना स्लिट में हमने इसके सेम कपड़े की जो है ना पाइपिंग लगा दी, ये पिक में भी इसी तरह पाइपिंग लगी हुई है सेम कपड़े की, ठीक है। उसके ऊपर हमने बटन टाक दिया और ऊपर गोल गला बना दिया। ये हमने स्लिट खोल दी इसकी 2 इंच की। और ये इसका दामन है, बॉर्डर दिया हुआ था, ठीक है। बैक फ्रंट और स्लीव्स का बॉर्डर एक ही जैसा था, ठीक है ना। इसके नीचे भी हमने सिल्क लगा के जो है इसे एप्लिक करवाया, ऊपर की साइड पे भी एप्लिक करवा दिया, नीचे पूरा कटवर्क करवा दिया हमने। ये बैक भी इसी तरह जो है ना इसका बॉर्डर लगा हुआ है। और चाकू में हमने इसकी लेस लगा दी फेसिंग के साथ। और ये इसकी स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स पे भी हमने इसी तरह बॉर्डर लगा दिया, नीचे सिल्क रख के ऊपर एप्लिक करवा दिया, नीचे कटवर्क करवा दिया, ठीक है। और ये देखे पिक में जो है ना इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाया हुआ बॉर्डर के नीचे, ठीक है ना, वो पूरा ऑर्गेंजा पे सिर्फ जो है ना बॉर्डर लगा दिया इसने, तो हमने इसके नीचे सिल्क लगा दी ताकि वो थोड़ा सा वेट बढ़ जाए उसका, खूबसूरती आए सूट पहनने में, ठीक है। और ये इसका ट्राउजर है, ठीक है। इसके ट्राउजर में भी हमने बॉर्डर लगा दिया, नीचे इसके सिल्क रख के ऊपर एप्लिक करवा दिया, नीचे कटवर्क करवा दिया पूरा। और ये इसका दुपट्टा है, अब ये देखें, ये बॉर्डर लगा हुआ है चारों साइड पे दुपट्टे के, ठीक है। ये बॉर्डर अलग से दिया हुआ था तो इसके नीचे हमने फेसिंग लगाई है, फेसिंग जो है ना इसके नीचे डबल कलर डबल कपड़े की लगी हुई है, दो कपड़े लगे हैं इसके नीचे, वो इसलिए कि यहाँ पे देखें इसके सुराग हैं, ठीक है। अगर सिंगल कपड़ा हम लगाते तो ऑर्गेंजा जो हम इसे मोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पे इसकी हमारी जो है ऑर्गेंजा शो हो रही होती है आधे बॉर्डर पे,
ठीक है, इसलिए हमने पहले एक कपड़े पे इसे जो है ना बॉर्डर को सेट कर लिया, फिर जो है ना इसके दूसरे कपड़े के साथ इसके बॉर्डर को लगा दिया हमने चारों साइड दुपट्टे पे। ठीक है, ये देखें ये पिक में जो है ना, पिक में इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाया हुआ बॉर्डर के नीचे, ये दुपट्टा है। ठीक है, इसके सिर्फ ऐसे ही जो है ना इसको लगा दिया, आगे इसका कटवर्क करवा दिया। ठीक है ना, लेकिन हमने इसको फेसिंग के साथ जो है ना लगाया और आगे इसके कटवर्क करवा दिया दुपट्टे पे।